जम्मू में आतंकियों पर वज्रपात के लिए सेना QRT उतारे जा रही है, जो उनके नापाक इरादों को नाकाम करेगी। क्या है QRT, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू में पिछले दिनों बड़ी आतंकी घटनाओं के बाद उनके पक्के इलाज का इंतजाम किया गया है। अब सेना जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में 37 QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती करने जा रही है। जम्मू संभाग में लगातार, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, कुठवा हो, रजौरी या फिर पुंछ, लगातार एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जम्मू संभाग में जितने भी आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जम्मू संभाग में करीब 50 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर है, जो ज्यादातर पाकिस्तानी है। अब जो एक स्ट्रेटजी निकाली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उसमें ये QRTs जो हैं ये डिप्लॉय की गई हैं जगह जगह पे, ताकि जब भी कोई इतला मिले कहीं पे भी किसी से कि भाई कोई टेररिस्ट कहीं छुपा हुआ है, या जैसे ऊपर के पहाड़ों के अंदर वो पनाह लेते हैं उसके ढोक्स वगैरह के अंदर या कोई वैसा है, तो इमीडिएटली जो है ये QRT जो है एक्शन कर सकती है। पंजाब के जलालाबाद में अस्पताल में मरीज और तीमारदारों से मारपीट की गई है। पीड़ित शख्स बेटी को ऑपरेशन के लिए लाया था, मगर लैब टेक्नीशियन ने इस परिवार के साथ मारपीट की। देखिए पूरी खबर। निजी अस्पताल में गुंडागर्दी, मरीजों के वार्ड में घुसकर मारपीट, तस्वीरें पंजाब के जलालाबाद की है। इस वारदात को 11 हमलावरों ने अंजाम दिया। अब पूरी घटना की CCTV फुटेज सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मरीज के तीमारदारों की अस्पताल के स्टाफ से कहासुनी हुई थी। इसी से नाराज होकर अस्पताल का टेक्नीशियन कुछ लोगों को लेकर आया और वार्ड में घुसकर मारपीट की। बच्ची छोटी सी, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर चो जाना चाहते सी। जरा स्टाफ है कोई मदन सिंह, वो उन्होंने रोकता सी। बच्चा छोटा होने करके हरभजन सिंह कहेंगे एक बार भी चलो थिएटर के बच्चे घबराहट होगी बच्ची, मैं एक बार मिल लूँगा जी। तो इस गल पिछे उन्होंने बहस होगी, बहस के बच्चे उन्होंने कंप्लेन करती, तो उन्होंने मेरे ख्याल हॉस्पिटल तो इन्वेस्टिगेट करता, जिस करके वो गुस्से च आ गया। तो अपने बंदे इकट्ठे करके लिया के उन्होंने हरभजन सिंह इस वारदात के बाद अस्पताल स्टाफ के आरोपी लैब टेक्नीशियन मदन सिंह को प्रबंधन ने नौकरी से निलंबित कर दिया है। और उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही महिलाओं से पुरुष पुलिसकर्मियों ने हाथापाई की। ये उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं जो एक महिला पर मर्दानगी झाड़ रहे हैं। महिला को न केवल जोर का झटका देते हैं बल्कि महिला को धक्का देकर गिरा देते हैं। पुलिस बल की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने रुद्रपुर के भगवानपुर कोलड़ा गांव पहुंची थी। हाईकोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण करने वाले 40 परिवारों के कब्जे से जमीन खाली कराई जाए। JCB के साथ पहुंची पुलिस की टीम को देखकर लोग आक्रामक हो गए। बताया जाता है कि मौके पर विधायक के पहुंचने के बाद तो लोग पुलिस से भिड़ गए। इसी बीच विरोध कर रहे लोगों में से किसी युवक ने JCB के चालक को पत्थर मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए महिला पुलिस से उलझ गई। भारी शोर शराब और नारेबाजी के बीच हाथापाई पर उतारू महिलाओं में से एक ने रुद्रपुर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार से उलझ गई। इससे गुस्सा इंस्पेक्टर ने महिला को जोर का धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। वहीं मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने महिला को उठाया। पुलिस इंस्पेक्टर के इस रवैये की कड़ी आलोचना हो रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुजरात के द्वारका में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत से मातम पसरा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक परिवार के 4 लोगों की अंतिम यात्रा, हर तरफ मातम, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें गुजरात के द्वारका की है। भाणवड़ इलाके में जामनगर के एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव सड़क किनारे पड़े मिले। इन शवों के पास जहर जैसा संदिग्ध तरल पदार्थ भी मिला है। पुलिस की जांच की पहली थ्योरी के मुताबिक जामनगर के अशोक धुआ, उनकी पत्नी लीलूबेन, बेटे जिग्नेश और बेटी किंजल ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पूरी घटना इनके घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर हुई। ऐसे में पुलिस जांच के दायरे में कुछ संदिग्ध भी हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अलग अलग पुलिस की टीमें, LCB की, SOG की टीमें बनाकर आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही चालू की गई थी। उसमें से 2 आरोपी जो सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किए गए, दोनों को कल शाम तक पकड़ के उनकी अटक करके आगे की रिमांड की प्रोसेस चालू हुई है।